सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब यहां पे देख सकते हो कि क्यूसेट ने आज अपने कैट एग्जामिनेशन के लिए अपनी फर्स्ट ट्रायल अलॉटमेंट पब्लिश की है। तो ये आप कहां पे देखोगे, तो आप अपना जब प्रोफाइल खोलोगे यहां से अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के, तो यहां पे आपको दिखाएगा कि आपको कुछ अलॉटमेंट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि भैया ये ट्रायल अलॉटमेंट क्या होता है। जैसे यहां देखो, इस बच्चे को अभी तक कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, बट ये आपको समझना है कि ये जो अलॉटमेंट है वो एक्चुअल अलॉटमेंट नहीं है। दिस इज ओनली द ट्रायल अलॉटमेंट। ये होता है बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए कि आपका कितना वेटिंग लिस्ट आ रहा है या फिर आपका कितना प्रोबेबिलिटी है कि इस डिपार्टमेंट में एडमिशन होने का। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल अलॉटमेंट से पहले ये लोग पब्लिश करते हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको एक आइडिया लगे कि आपका एडमिशन होने का चांसेस कितना है किस ब्रांच में। ठीक है, कुछ दिनों में इनका एक जो होगा ओरिजिनल अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद आपको फी पेमेंट एंड बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारा प्रोसेस करना होगा। तो उससे पहले ये लोग पहले अपना एक डेट देंगे वेबसाइट पे। आप इस वेबसाइट पे जब आओगे तो देखोगे कि कुछ दिन बाद एक डेट ये लोग पब्लिश करेंगे जिसमें पूरा आपको समझाया जाएगा कि ओके, फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट कब आएगा, सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट कब आएगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, आपको जो 48,000 रुपये पे करने होते हैं वो कब करना होता है। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये बस आपको ये समझना है कि हाँ, आपका चांसेस है भी या नहीं। ठीक है, जिन बच्चों का मतलब बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आ रहा है तो वो थोड़ा होप कम रख सकते हो इसमें। बाकी और भी जो तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे वहाँ पे तुम ट्राई कर सकते हो। मान लो जो सा काउंसलिंग में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, कॉमेट के, बाकी जो प्राइवेट VIT ये सब एग्जाम दिए होंगे WBJEE में, तो वो सब में आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो अपडेट होगा, डिटेल्स होगा, हम आपको वीडियो के फॉर्म में देते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इतना कुछ समझ में आया होगा आपको। कुछ भी क्वेश्चन होने से कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो।